संभल में गरीब बेरोजगार महिलाओं को समूह के रूप में लोन देने वाली जमा स्मॉल फाइनेंस बैंक द्वारा 42.50 लाख रुपए की धनराशि गबन कर दी गई। बीएमसी द्वारा गरीब बेरोजगार महिलाओं से किश्त के रूप में बैंक को जमा किया गया था, लेकिन बैंक के अधिकारियों द्वारा बैंक से फरार हो जाने के चलते नए अधिकारियों की तैनाती पर दोबारा किश्त के रूप में इतनी बड़ी धनराशि की मांग की जा रही है, जिसको लेकर बीएमसी ने बीते दिनों एसपी कुलदीप सिंह गुनावत से भी शिकायती पत्र देते हुए कार्यवाही की मांग की थी तथा उन्होंने एक बार फिर जुनावई थाना प्रभारी को शिकायती पत्र देकर कार्यवाही की मांग की है। जुनावई थाना क्षेत्र के जितेंद्र सिंह, राहुल शारदा, देवी अजब सिंह तथा इसरार अली जना स्मॉल फाइनेंस बैंक में बीएमसी के पद पर कार्यरत हैं। अतियाती टेक्नोलॉजी अर्थात जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक द्वारा जनपद में गरीब बेरोजगार महिलाओं को लोन देने का काम किया जाता था तथा किश्त के रूप में उनसे मासिक धनराशि ली जाती थी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इसरार अली है। अच्छा, जुनावी थाने पर आपने कोई शिकायती पत्र दिया है? आ रहे हैं कई दिन से, क्या मामला है? हाँ, शिकायती पत्र दिया है। हम जना स्मॉल फाइनेंस बैंक और अत्याधिक टेक्नोलॉजी में एमबीसी पद पर काम करते हैं। अच्छा, ये कंपनी ने हमारे 5-6 लोग हैं, 1400 कस्टमर हैं, हम इनके साथ काम करते थे, लोन बांटते थे। 5-6 इन कस्टमरों के, 1400 कस्टमर हैं इनके, जो एक एक किस्त इन्होंने गबन कर दी है कंपनी वालों ने। हमने यही ज्ञापन दिया है यहाँ पर, एक एक किस्त गबन की है। हाँ, अच्छा, दो लोगों पे एफआईआर की भी बात निकल के आई है, क्या मामला है एफआईआर का? एफआईआर हमने किया है इनके खिलाफ। अच्छा, तो ये कितने लगभग कितना रुपया गबन गबन लगभग हमारा इस एरिया का 52-53 लाख रुपया इन्होंने कंपनी ने गबन किया। अच्छा, इसमें एक आरोप और बड़ा लगाया है कि ये टैक्स की चोरी कर रहे हैं, वेस्ट ऑफ बंगाल, ऐसा क्या है? टैक्स की चोरी कर रहे हैं ये लोग, क्योंकि यहाँ पर इनका कोई लाइसेंस नहीं है उत्तर प्रदेश में काम करने का। इनकी जो पेमेंट स्लिप है वहाँ पर वेस्ट बंगाल लिखा हुआ आता है, क्योंकि यहाँ पर इनके पास कोई प्रूफ ही नहीं है काम करने का, कोई लाइसेंस नहीं है। यूपी से चोरी कर रहे हैं? हाँ, यूपी से टैक्स की चोरी। आप क्या चाहते हैं? आप, हम ये चाहते हैं कि हमारे ये ग्राहक हैं, कस्टमर हैं, उनका पैसा उनके खाते में जमा हो जाए और उनकी सिविल सही हो जाए। जुनावी थाने पर आप आए, क्या मामला है? एक आरोप आप लगा रहे हैं कि 2-4 लाख रुपए का गमन है और वहीं टैक्स की चोरी का तमाम आरोप है, क्या कहेंगे? देखो, टैक्स की चोरी का मामला तो ऐसा है कि हमें अगर ऐसा पता होता तो हम कंपनी में वर्क ही नहीं करते। अच्छा, क्या नाम है, काय में काम करते? मेरा जितेंद्र नाम है, ये जना बैंक का, जना बैंक से टाई अप है अत्याति कंपनी का। अत्याति कंपनी के एक हम कमीशन एजेंट थे। मेरा नाम जितेंद्र, मेरी पत्नी के नाम से जो है एजेंट आईडी थी। हम अच्छे से काम कर रहे थे, गरीब महिलाओं के लिए लोन वितरण कर रहे थे, उनकी हर मंथली किस्त को रिकवर करके हम कंपनी के अधिकारियों को दे रहे थे। कंपनी के अधिकारियों ने जो हमारे साथ में बहुत बड़ा फ्रॉड किया है, जो पहली किस्त और दूसरी किस्त के समथिंग है, कुछ लोगों की दूसरी भी किस्त हैं, और हमारी पहली किस्त का जो घोटाला किया है, बहुत बड़ा घोटाला है, कस्टमर की सिविल से खिलवाड़ किया है। और दूसरी बात, हमें ये आपस में अधिकारियों में फूट पड़ी। फरवरी के महीना में कुछ अधिकारी सस्पेंडेड करे, टर्मिनेट किए, तो उन्हीं अधिकारियों ने ज्ञापन भी सौंपे हैं मुरादाबाद में जाके कमिश्नर साहब के यहाँ कि ये एक सरकार से कंपनी टैक्स चोरी कर रही है, इनके पास कोई भी यूपी में काम करने का लाइसेंस नहीं है। और दूसरी बात, इन्होंने हेमेंद्र रितेश गुप्ता को सिस्टम में रख के जो है ये काम किया, वो एक स्टेट लेवल के थे, हम एक एजेंट थे, उस लेवल से इन्होंने क्या किया कि उनसे उन्हें यूज करके आपस में मिली भगत करके इन्होंने 4 करोड़ समथिंग घोटाला, 4 करोड़ का गमन उनसे करा लिया। आज भी ये बात कहते हैं, अभी भी थोड़ी देर पहले हमारी बात हुई थी तो हमसे कह रहे थे कि अगर हमसे पहले बोल रहे थे कि उनके खिलाफ एफआईआर हो रखी है, वो हाथ नहीं आ रहा है। कुछ समय पहले कह रहे थे रितेश हेमेंद्र इसी एरिया में, आप क्या उखाड़ोगे उखाड़ लो। अच्छा? तो इसका मतलब उनकी आवाज़ कह रही है कि इसका मतलब इनकी मिली भगत है, मिली भगत से चोरी कराई गई। मिली भगत, अच्छा, थाने से आपको क्या आश्वासन मिल रहा है? चक्कर काट रहे हैं आप? अभी हमें कोई आश्वासन नहीं मिला है। अब क्या चाहते हैं? अब हम यही चाहते हैं शासन प्रशासन से कि हमारी मदद की जाए। हमें धमकियां मिलती है, तुम्हारी पत्नी बेंगलोर जेल जाएगी, ये करेंगे वो करेंगे, और पीछे कुछ एमबीसीयों से इन्होंने घपला करा के जो है एफआईआर दर्ज करा के एप्लीकेशन दे के पुलिस की सहायता से जो है जमीन गिरवी रखवा के भी पैसा भरवाया। ठीक, देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।